भागलपुर में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लॉटर शंकर यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उससे लंबी पूछताछ की गई और आज दोपहर उसे मेडिकल के लिए भागलपुर सदर अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी होगी। रांची से आई एनआईए की टीम ने आईटी की टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कल शंकर यादव के आवास पर 17 घंटे छापेमारी करने के बाद टीम ने 1,32,00,000 रुपये बरामद किए। करोड़ों के जमीन के कागजात व 5 मोबाइल फोन, 1 हार्ड डिस्क, 1 राइफल, 1 पिस्टल, गोला व बारूद बरामद किया गया। एनआईए के मुताबिक शंकर यादव झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से जुड़ा हुआ है। झारखंड के तेतड़िया खाल में कोल माइंस पर संगठित गिरोह में अमन साहू, सुजीत सिन्हा व अन्य द्वारा किए गए अटैक के मामले में अमन साहू के पैसे खपाने मामले में भागलपुर की बरारी थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शंकर यादव के आवास पर एनआईए व आईटी ने दबिश दी थी। गिरफ्तार आरोपी प्लॉटर शंकर यादव को आज भागलपुर के सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया, जहां मामले में बयान देते हुए आरोपी शंकर यादव ने कहा कि वो निर्दोष है, ये पैसे कुल 13 लोगों के हैं। एनआईए को हमने एग्रीमेंट पेपर व कई सबूत भी दिए, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। गैंगस्टर अमन साहू के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा काम ही कमीशन का है। परसों जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, इसलिए रुपये घर पर रखे थे। 22 सालों से हम प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, झारखंड में भी मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोती यादव को हमने भागलपुर के एसएम कॉलेज के पास जमीन दिया था और उसके एवज में उसने मुझे पैसा ट्रांसफर किया। मोती यादव एनआईए में आरोपी है, इसलिए मुझे भी फंसाया गया है। बता दें, मोती यादव नौगछिया का अपराधी है, वह प्रखंड प्रमुख है। बीते दिनों एनआईए ने मोती यादव के आवास पर भी दबिश दी थी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। मेरे पास कोई अवैध ऐसा नहीं है। 1,32,00,000 रुपया निकला है। हाँ, कहां से आया है? क्या 13 आदमी का मेरे पास पैसा है। हाँ, जिनका रजिस्ट्री पेंडिंग है। अभी आपको कहां ले जा रही है? अभी कोर्ट ले जाएगी। कोर्ट के बाद ये हमें एनआईए के जहाँ लोगों का पूरे केस था, गुजरा केस था। एनआईए और आईटी की टीम आई आपके घर। हाँ। अमन साहू से आपका कनेक्शन जुड़ा? नहीं, कोई कनेक्शन मेरा नहीं है उसके साथ। इतना पैसा आप घर में रखे हुए थे, क्यों रखे हुए थे? परसों रजिस्ट्री था हमारा। हाँ। डॉक्टर साहब, हमारा काम ही कमीशन का है, ब्रोकरेज का काम है मेरा। और आज से नहीं, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, 22 साल से काम कर रहा हूँ ये मेरा। झारखंड से क्या करें? झारखंड में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दोनों जगह मेरा। बिहार में भी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग बना के बेचने काम है और झारखंड में भी मेरा काम है। एनआईए की टीम क्यों आई 2020? एनआईए की टीम मेरा कोल माइन में अटैक हुआ था, उस केस में आपको यहां पर? एनआईए की टीम की जहाँ तक बात है, इसमें मेरा मोती यादव को हमने एक जमीन दिया है भागलपुर एसएम कॉलेज के पास, वो हमें पैसा ट्रांसफर किया और उन लोग के एनआईए में आरोपी है, उसकी वजह से हमें ये गिरफ्तार किया गया। मैटर मेरा एनआईए से अब ना को केस है, ना मैं कभी रांची 1 साल से पहले कभी जाता था, ना को मेरा मतलब। पूरा नाम बताइए। शंकर यादव मेरा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बराड़ी भागलपुर। ये मुफ्त का आरोप है मेरे ऊपर। जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और बेहतर पुलिसिंग के साथ ही सभी थाना क्षेत्र में पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में एक बैठक की। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने थानाध्यक्षों के पिछले 1 माह के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कांडों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के बारे में सभी थानाध्यक्षों को बताया। बैठक में सिटी मिस्टर राज, डीएसपी अजय चौधरी के अलावा कई डीएसपी और थानाध्यक्ष मौजूद थे। तो मासिक आपराधिक समीक्षा की जो बैठक होती है हर माह, वो बैठक अभी होगी, जिसमें जिले के जितने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं, थानाध्यक्ष हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और उसमें जो उनका पिछले 1 माह का कार्यकलाप रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं वो भी उसके बारे में उनको विस्तार में बताया जाएगा और जो लंबित कांड है महत्वपूर्ण उसकी भी समीक्षा की जाएगी। भागलपुर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने व अवैध रूप से सड़कों पर बने दुकान को हटाने का काम जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन कर रही है, ताकि लोगों को शहर में जाम से परेशानी ना हो। इसी बाबत आज नगर निगम प्रशासन द्वारा बरारी थाना क्षेत्र की कटहलबाड़ी के सड़क के किनारे अवैध रूप से चल रहे दुकानों को हटाया गया। इसको लेकर अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी देखी गयी। का अभियान चल रहा है सर जी, और जिला से ये आदेश निकलता है सदर से, इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन का सहयोग से रोड नाले पर जो भी अतिक्रमण किए रहता है उसको फाइन करके उसको हटाया जाता है सर। क्या किसी का बवाल हो रहा था? बवाल वो जनरेटर रखे हुआ था अपना, जो है कहता था कि मेरे ज़मीन पर है, लेकिन उसका नापी कराने के बाद उसको कल जो है देखा जाएगा फिर। वो डॉक्टर राजमणि के वहाँ पर है, एक्सरे ऑफिस के पास। झंझट नहीं हुआ है, कहता था, दावा ठोकता था कि मेरे ज़मीन पर है, लेकिन वो नाले के ही पास धरा हुआ है। उनको बोले कि हटा लीजिए, तो वो
बहुत सा बात उलट सुलट सब बात बोलने लगे, तो हम लोग जो है उनको कह के चले आए हैं कि आप कल तक इसको हटा लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती हम लोग हटाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में स्थित आधार केंद्र के संचालक की मनमानी से क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। पिछले करीब 1 सप्ताह से आधार केंद्र में ताला लगा हुआ है, जबकि प्रतिदिन दर्जनों लोग तथा छोटे छोटे स्कूली छात्र छात्राएं अपना फिंगरप्रिंट बदलवाने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग पिछले कई दिनों से 10 बजे आधार सेंटर पहुंच जाते हैं, परंतु शाम तक आधार सेंटर खुलता ही नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि आधार केंद्र में फिंगर बदलने के लिए 100 रुपये का रसीद दिया जाता है और 150 रुपये लिया जाता है। जिसके पास 100 रुपया ही रहता है तो उसे वापस लौटा दिया जाता है, कहता है कि 150 से कम में काम नहीं होगा। वहीं कुछ स्कूली छात्रों ने बताया कि हम लोग विद्यालय से अनुपस्थित होकर आधार कार्ड का कार्य कराने आते हैं, आधार केंद्र खुला नहीं रहने के कारण बिना आधार कार्ड का कार्य कराए हमें वापस जाना पड़ता है। आधार कार्ड का कितना पैसा मांग रहा है? क्या चीज का? फिंगर लगाने का? क्या बोला? 150 रुपया के लिए 100 नहीं होगा। अभी आप कहाँ है? ब्लॉक में। किस लिए आए थे? बच्चे लोग का आधार कार्ड बनवाने के लिए। हाँ। तो कहाँ से? कस्तूरबा विद्यालय से जी। तो 100 रुपया दे रहे थे, नहीं माने तो फिर और पैसा दे। क्या चीज के लिए? आधार कार्ड बनाने। आधार कार्ड बनाना या फिंगर मैच कर? फिंगर मैच करने के लिए। कितना मांग रहा है? 150 रुपया 100 रुपया आप दे रहे हैं? जी, नहीं मान रहा है वो। नहीं मान रहा। क्या बोला? बोला और दो पैसा। क्या चीज़ का? नहीं बोले। क्या चीज़ का बोले? ना पैसा 100 रुपया कट रहा है और 150 रुपया क्यों दे? बोले सर, सारा कुछ बोल दिया। 100 रुपया कट रहा, फिर और कुछ है? अंगूठा करवा लो। काट कर लगाओ पैसा? 150 रुपये लगाओ। एक 100 रुपये लिख लो की कल 150 रुपया दे। कहाँ हो लो? नाम की हो लो? बच्चा कर भेलो? बच्चा। तुमरा करवाया? कार्ड का पैसा लिया? 150। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आज इंडियन केमिकल सोसाइटी इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रसायन शास्त्र के दर्जनों वरिष्ठ शिक्षकों ने छात्रों को केमिस्ट्री विषय पर परिचर्चा की, साथ ही केमिस्ट्री का भूत भविष्य और वर्तमान बताया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने विधिवत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के दर्जनों पदाधिकारी व रसायन शास्त्र के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। एक ही चीज कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन जो भी विकास हो वर्तमान के लाभ को केवल नहीं देखना चाहिए, बल्कि भविष्य के जनरेशन जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए विकास करना चाहिए। ये है समेकित विकास का इनकी सोच। इस पर बातें हो रही है, चाहे वो केमिस्ट्री में जानते हैं ना रसायन, रसायन तो शुरू से हमारे जीवन का मतलब बहुत चीज, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, दवाइयाँ नहीं बन सकती, फर्टिलाइजर जो आप देखते हैं उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें जीवन की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन एलो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैंने कहा है कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं, दो दिनों के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि कैसा विकास करें अपने अपने विभाग में या रसायन शास्त्र में किस प्रकार का विकास होना चाहिए, जिसमें कि न सिर्फ वर्तमान को लाभ हो
बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो, शोधकर्ताओं को लाभ हो, छात्र छात्राओं को लाभ हो और पूरे समाज को लाभ हो। भागलपुर के कला केंद्र में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यह लाइब्रेरी पटना की संस्था समर चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज ने कहा कि यह बहुत अच्छा अवसर है। सत्ता हमेशा से सही ज्ञान को व्यक्ति तक पहुँचने नहीं देती रही है, इसलिए विद्यार्थियों के पास आधा अधूरा ज्ञान या गलत जानकारी पहुँचती है और लाइब्रेरी जैसी संस्थान सही और समग्र ज्ञान प्राप्त करने का जरिया है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि समय समय लाइब्रेरी में अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स बुलाए जाने चाहिए। कार्यक्रम में कला केंद्र की पूर्व अध्यक्ष व संचालन समिति सदस्य उदय ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है। इसका लाभ उन तबकों को मिलेगा जो पैसों के अभाव के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। कार्यक्रम में शामिल तकी अहमद जावेद ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज को ऐसे लाइब्रेरी अभियान की बहुत जरूरत है। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के संजय कुमार ने लाइब्रेरी संचालन के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज के समय में युवाओं का किताब से संपर्क और संबंध टूट रहा है, जिस कारण यह पहल बहुत अहम जाती है। कार्यक्रम में समर चैरिटेबल ट्रस्ट के जहीब अजमल, अनस अहमद, उदय प्रताप सिंह, संजीव आनंद के साथ ही डॉक्टर मनोज, तकी अहमद जावेद, वासुदेव, विजय कुमार शाह, संजय कुमार, ललन, चंदन कुमार, उज्जवल कुमार घोष, अभिजीत शंकर, मनीष कश्यप, राजेश कुमार झा, मृदुला सिंह, रंजीत कुमार मंडल, मौसमी कुमारी, सत्यम कुमार सिंह, अभिषेक आदि मौजूद थे। आज कला केंद्र की लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और समर चैरिटेबल ट्रस्ट पटना के सहयोग से हम लोगों ने इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। कला केंद्र इस पूरे पूर्वी बिहार में पहले से ही आर्ट और कल्चर को लेकर सक्रिय रहा है और एक नया आयाम इस लाइब्रेरी का जुड़ गया, जिसके माध्यम से जो वंचित तबके के बच्चे हैं, जो कहीं और पैसा देकर लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो यहाँ पढ़ पाएंगे। और जो आधुनिक समय है, जिसमें कि हमारा नेट का बहुत बड़ा योगदान होता है पढ़ाई लिखाई में, जानकारी प्राप्त करने में, तो उसकी सुविधा यहाँ मुफ्त में उनको मिल पाई है। तो ये ई लाइब्रेरी की शुरुआत है। इसके साथ साथ जो कला से जुड़े हुई पुस्तकें हैं वो भी यहाँ उपलब्ध होंगी, तो कला साहित्य और जो अन्य ज्ञान की चीज़ें हैं वो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी रूप में क्या क्या सुविधा है यहाँ? तकनीकी रूप में हम लोगों ने अभी वाईफाई का को लगवाया है, वाईफाई की सुविधा है यहाँ। और एक तो शांत वातावरण है, बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, खुद की भी अलग जो उनका सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट को बीच बीच में बुलाएंगे, जो यहाँ पढ़ने वाले जो